हेलो फ्रेंड्स, ये हमारी चैनल टेक जुगाड़ है। आप सभी का स्वागत है इस नए वीडियो में, जिसमें कि हम रिपेयर करेंगे एक ऑटोमेटिक गैस चूल्हा, जिसमें कि ऑटोमेटिक इग्निशन सिस्टम है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, ये एक ऑटोमेटिक गैस चूल्हा है, जिसमें अगर आप इस नॉब को घुमाते हैं तो आपको इसे ऑन, इसको जलाने के लिए लाइटर की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसमें यहाँ पर ये एक स्विच दिया है रेड कलर का, जिसे हम दबाते हैं तो इसमें स्पार्क होता है। देखिए यहाँ पर इसके लिए स्पार्किंग के लिए लगे हुए हैं। यहाँ पे सारे बर्नर में अपने अलग अलग लगे हुए हैं, आप देख सकते हैं ये वाइट कलर के। तो ये इससे स्पार्क होता है और ये ऑन हो जाता है। इसका ख़राब हो चुका है, हम उसे रिपेयर करेंगे और उसकी पूरी वायरिंग करेंगे और आपको बताएंगे कि इसकी वायरिंग आप कैसे घर में कर सकते हैं। तो जैसे कि देख सकते हैं, ये गैस का बैक साइड है, यहाँ पर ये एक सेल लगाने की जगह है और यहाँ पर एक लाइटर लगा था इसका ऑटो इग्निशन सिस्टम, जो निकल गया है। चूहों ने इसकी पूरी वायरिंग काट दी है, ये देखिए। तो हम ये पूरी वायरिंग भी नहीं इंस्टॉल करेंगे और उसके बाद इसकी पूरी वायरिंग करके और इसको चालू करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये हर एक का अपना अपना अलग अलग यहाँ पे देखिए ये लगा हुआ है। सबके अपने अपने इसमें इग्नाइटर लगे हुए हैं। हम इन इग्नाइटरों को जोड़ के, इसमें सर्किट जोड़ के, सेल लगा के कम्प्लीट इसकी वायरिंग करके आपको बताएंगे कि आप इसे घर में सुधार सकते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, ये वो इग्नाइटर सर्किट है जो कि इसमें लगता है ऑटो इग्निशन के लिए, जिससे कि इसमें स्पार्क होता है। और ये दो सर्किट है हमारे पास। चलिए हम इन्हें देखेंगे कि इन्हें चेक कैसे किया जाता है, कोई सर्किट चालू है या नहीं। इसके लिए हमें एक मल्टीमीटर की ज़रूरत पड़ेगी, उसे हम यहाँ पर डायोड और कंटिन्यूटी चेक रेंज पर रखेंगे, ये देखिए इस जगह पर। और उसके बाद हम यहाँ पर चेक करेंगे। देखिए इसमें ये जो एन और एल लिखा हुआ है, मैं आपको दिखाता हूँ पास से, देखिए। तो जो इसमें N है ये नेगेटिव है और L जो है ये इसका सेल का प्लस है। इसमें 1.5 वोल्ट का एक सेल लगता है। तो इसमें जो L है ये प्लस पॉइंट है और N जो है इसका माइनस पॉइंट है। तो हम इसे चेक करेंगे मीटर से, देखिए। तो आप देखेंगे इसमें कोई रीडिंग नहीं आ रही है, देखिए। इसमें जब आप चेक करेंगे तो कोई भी रीडिंग नहीं आ रही है, ठीक है। इसका मतलब ये जो सर्किट है ये ख़राब है। अब हम दूसरा चेक करेंगे, देखिए यहाँ पे रीडिंग आ रही है। इसमें एक साइड रीडिंग आ रही है, आप जब देखेंगे, देखिए एक साइड रीडिंग आ रही है इसमें। तो इसका मतलब ये जो सर्किट है ये वाला, ये सही है। हम इसे ऐसे कनेक्ट करेंगे इसमें। इसमें भी देखिए, आपको मैं वायरिंग आपको एक बार इसमें भी समझा देता हूँ। तो देखिए यहाँ पर जो एल है ये प्लस पॉइंट है सेल का, और जो एन है ये माइनस है। और उसके बाद जो ये जो देख रहे हैं आपको 1, 2, 3, 4, ये चार जो हैं ये कनेक्टर हैं इसके, जिसमें से स्पार्किंग निकलेगी जब हम इन्हें कनेक्ट करेंगे। उसके बाद जो ये एन है नेगेटिव, इस ग्राउंड को हमें जो हमारा बर्नर है गैस बर्नर, उसके बॉडी पे देना पड़ेगा, तो ये स्पार्किंग होगी। तो देखिए ये जो हमारा इग्नाइटर था, हमने इसमें वायरिंग कर ली है। और ये देखिए इसमें हमने ये सप्लाई में जोड़े हैं, तो येलो वाला जो है हमारा प्लस है, ये माइनस है। और उसके बाद जितने भी इसमें स्पार्किंग कॉइल के वायर्स हैं उन्हें हमने सोल्डर कर लिया है। और हम इस वायरिंग के ऊपर शील्डिंग के लिए कुछ स्लीव इस्तेमाल करेंगे। अब देखिए ये मार्केट में इजीली अवेलेबल है, ये स्लीव हम इस्तेमाल करेंगे इसमें इंसुलेशन के लिए। तो ये देखिए हमने सर्किट की वायरिंग कंप्लीट करके रखी है और यहाँ पे ये सेल कनेक्ट किया है इसमें, और ये वायर हमने पास पास चिपका दिए हैं, जिससे कि आप इसमें जो स्पार्क हो रही है वो आप देख सकते हैं। देखिए मैं इसका प्लस, इसमें जब वायर प्लस जोड़ूँगा ये देखिए, तो आपको कुछ आवाज़ सुनाई देगी स्पार्किंग की। और आप पास से देखेंगे तो देखिए आपको उसमें स्पार्किंग दिखेगी। तो ये इसी स्पार्किंग की वजह से जो गैस है ये लाइट हो जाती है, जल जाती है। तो देखिए यहाँ पे जो ये इसमें एक स्विच लगा हुआ है इधर, ये जो दबाने वाला, इस स्विच को हमें एक बार इसकी भी इसको चेक करना है कि ये सही है या नहीं। तो हम इसे मीटर को कंटिन्यूटी रेंज पर रख के चेक करेंगे कि ये सही है नहीं। अगर बजर देगा तो मतलब हमारा जो स्विच है वो बिल्कुल सही है। देखिए तो देखिए इसमें बटन दबाने पे आवाज़ आ रही है, तो ये जो स्विच है हमारा ये सही है। देखिए मैं आपको यहाँ रख के दिखाता हूँ, ये बटन दबाने पे हमारा जो बजर दे रहा है, मतलब ये स्विच सही है, तो स्विच में कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके अलावा ये जो हमने इसमें वायरिंग पूरी कम्प्लीट करके रखी है, ये देखिए ये जो है इसके इग्निशन वायर हैं जिनमें से स्पार्क होगा, और उसके बाद ये स्विच का वायर है, जो पॉजिटिव वायर हमने इधर दे दिया, नेगेटिव यहाँ जोड़ दिया है, ये देखिए। और इसमें हम सेल लगाएंगे और ये जो वायर्स हैं इन्हें हम बाकी वायर में जोड़ के इसे ऑन करेंगे अभी।
तो ये जो गैस थी इसकी हमने कंप्लीट वायरिंग कर ली है और जो इसमें बराबर जो इसके इग्नाइटर थे उसे जोड़ दिया है और यहाँ पे ये वायरिंग पूरी कंप्लीट कर दी है हमने। और अब हम आपको इसे चला के दिखाएंगे पलटा इसको। तो ये जो गैस थी हमने इसके बर्नर और ये जो प्लेट्स थी इन्हें लगा दिया है और ये सभी चारों के हमने लगा दिए हैं और अब हम इसमें बटन दबाएंगे। अब देखेंगे सब में चारों बर्नर में स्पार्किंग एक साथ हो रही है। देखिए मैं आपको एक एक बर्नर दिखाता हूँ। देखिए सब बर्नर में एक साथ स्पार्किंग हो रही है इसमें। तो आप जैसे ही इसे गैस पे कनेक्ट करेंगे इसमें एलपीजी आने लगेगी तो ये ऑन हो जाएगा। ओके थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब।